Hello students, welcome to SR BPS online classes. I am Vishali Gupta and today's topic is we are going to learn some different kind of numbers. For example, first type of number is prime numbers. You must have learned about these kind of number in previous classes also. So let's learn it properly. Prime numbers, numbers which have only two factors. There are many numbers in our counting which have only two factors. Matlab ya to वन उनका फैक्टर है या द नंबर इटसेल्फ या वो खुद ही उनके फैक्टर्स है. जैसे कि 13 एंड 17, लेट्स सॉल्व इट. 13 इज नॉट कमिंग इन एनी टेबल, इट इज डायरेक्ट कमिंग इन वन टेबल. नो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इट्स नॉट कमिंग एंड देन इट इज डायरेक्टली कमिंग एट वन टेबल. सो फैक्टर्स क्या हुए 13 के, 1 एंड 13. So here 13 is the number which have only two factors, 1 and 13 itself. So we can, this number is called prime number. So prime number उन सभी numbers को बोला जाता है जिनके सिर्फ दो factors होते हैं, या तो 1 या वो number खुद. So moving on to second number, composite number, numbers which have more than two factors. So there are few numbers which have more than two factors like 4, 6, 12. Let's see 4 के कितने factors है, 1 into 4 and then 2 into 2, that's it. So 4 ke factors kon kon hue, 1, 2 and 4. So it has more than 2 factors, it means 3 factors. So ise hum bolenge composite number. So one more thing, 2 is also a prime number because uske sirf 2 hi factors hai, to 1 aur ek 2. 2 is a prime number, then 3 is also a prime number, 4 is a composite number, 5 is again a prime number. So this way we can find out many numbers here. Now unique number, let's come to unique number. Students, you must be thinking ki 1 na to prime number mein aaya na composite number mein aaya, to 1 kaun sa number hai? Number 1 is a unique number. Why it is called unique number? Because it does not have any factor, uska koi bhi factor nahi hota other than 1. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 1 1, तो सिर्फ 1 ही उसका एक फैक्टर है. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन अ यूनिक नेम टू इट्स एंड द नेम इज यूनिक नंबर. सो नेक्स्ट नंबर टाइप ऑफ नंबर आर इवन नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड यू एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि पूरा डिवाइड हो जाए एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0. सो जो भी नंबर अगर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा इट इज कॉल्ड इवन नंबर. एंड द सिंपल ट्रिक टू फाइंड इवन नंबर इज द नंबर्स व्हिच आर हैविंग 0, 2, 4, 6, 8 एट वंस प्लेस, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स. लेट्स सी हियर, अगर मेरे पास ये एक नंबर है, यू विल सी ऑल दीज आर ऑड, बट अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर है, तो दिस फुल नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर. लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होते, दे लीव सम रिमाइंडर, और वी कैन से दे डू नॉट कम इन टेबल ऑफ 2. एंड द सिंपल ट्रिक जिससे हम देख के बता सकते हैं, दे हैव 1, 3, 5, 7, 9 एट वंस प्लेस. अगर मेरा यहाँ पे वंस प्लेस पे 9 होता, दीज ऑल डजेंट मैटर, ओनली वंस प्लेस मैटर. अगर वंस प्लेस पे पहले 2 था तो वो इवन नंबर था, और वंस प्लेस पे 9 है तो वो ऑड नंबर है. सो यू कैन सी हियर इट्स काइंड ऑफ स्किप काउंटिंग, 0 होगा तो इवन, 1 वाला ऑड, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, दिस वे इट इज डन. सो लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर कॉम्बिनेशन. व्हाट इज नंबर कॉम्बिनेशन? सी, इफ आई एड 2 ऑड नंबर्स देन इट विल गिव मी इवन नंबर. लेट्स सी, इफ आई एड 3 प्लस 5, बोथ आर ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 4, 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. इफ आई एड बोथ द नंबर्स इट विल गिव मी 8, तो मुझे क्या मिला, इवन नंबर. दिस इज इन एवरी केस, वेन एवर आई एड 2 ऑड नंबर्स इट विल गिव मी इवन नंबर. सेकेंड इज वेन एवर आई एड 2 इवन नंबर्स, लेट से आई एड 2 प्लस 4, इट विल गिव मी 6, तो जब मैं दोनों इवन नंबर्स को एड करूंगी तब भी मुझे इवन नंबर ही मिलेगा. थर्ड इज ऑड प्लस इवन इज ऑड, इफ आई एड ऑड प्लस इवन आई गेट ऑड नंबर एज द सम, बिकॉज 3 प्लस 4 गिव्स मी 7, एंड दिस केस इज दिस इज अप्लाइड इन ऑल द नंबर्स. यू कैन डू बाय चेकिंग एनी नंबर. हियर इवन, 4 प्लस ऑड इज 5,
it will give me 9. So it is also giving me odd. So jab same type ke numbers add hote hain, it will give me always even. And when two different kind of numbers are added, it will always give me odd number. So these are few number combinations. And let me tell you one more question in which we have to find prime and composite number. Let's read the questions. Write all prime and composite number between 10 to 20. Number question aise nahi aayega ki this is prime number or composite number. It will come like this. You have to find prime and composite number between this. From this ne bola between this. So I will make a list of prime number separately and composite separately. I have to start from 11. Let's say 11 kisi ki bhi table mein nahi aata. So it's a prime number. 12 is coming in many tables, so composite. 13 is not coming in any table, so prime. 14 is coming in 2 table, 7 table, so composite. 15 is also coming in 3 table, 5 table, so composite. 16 also is coming. 17 is not coming in any table, so it's a prime number. 18 is also coming in many table, and 19 is also not coming in any table rather than 1 or the number 19 itself. So these are the few prime numbers between 10 to 20, and these are some composite number. So this way you have to do questions of prime number and composite number. Students, that's all from my side for today. Thank you.